Himalaya Quest Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हमारा मोड तो कौन सी पार्टी जी? रालोद पार्टी को देंगे जी वोट। रालोद पार्टी। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद नईम। नईम जी, नईम, इस चुनाव में किसे अपना खैर रखा मान के चल रहे हैं आप लोग? क्या नाम है? मदन भैया। मदन भैया क्या? विक्रम सैनिया। विक्रम सैनी ने कभी यहाँ पे आके अपना चेहरा भी नहीं दिखाया जनता को। दिखाया कोई? पूछो इनसे, इतने सारे खड़े, कभी आया होगा? 6 साल हो गए उसको। नाराजगी है इस चीज़ की। नाराजगी इस चीज़ की है, कोई काम काज कुछ भी किया हो उसने, कोई गिनवा दो चुनवा दो। नमस्कार, यूपी तक की टीम एक बार फिर से खतौली विधानसभा सीट पर मौजूद है और इस सीट पर आज हम लोग हैं मुस्लिम समाज के बीच। मुस्लिम समाज के कुछ लोग, आम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आज इनसे हम पूछेंगे कि इस बार मुस्लिम समाज किधर रुख कर रहा है, आखिर इस चुनाव में किसे अपना खैर रखा ये लोग मानकर चल रहे हैं, क्या मूड है इन मुस्लिम समाज का। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस एक छोटी सी चौपाल में। इन्हीं से बात करते हैं आखिर इस बार ये समाज किधर रुख करने वाला है अपना। जी क्या नाम है आपका? ये बता रहा हूँ जी, क्या नाम? मोहम्मद नईम। इस बार मुस्लिम समाज इस उपचुनाव में क्या मूड बना रहे हैं? हमारा मूड तो कौन सी पार्टी जी? रालोद पार्टी को देंगे जी वोट। रालोद पार्टी। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद नईम। नईम जी, नईम, इस चुनाव में किसे अपना खैर रखा मान के चल रहे हैं आप लोग? क्या नाम है? मदन भैया। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर समीर। समीर भाई, क्या मूड मुस्लिम समाज का इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है? देखिए सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो मूड है विकास को ऊपर किया जाएगा, क्योंकि हमारे खतौली क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे मोहल्ले की सड़कें, गलियाँ, और जो हम जो लोग जो वोट करेंगे वो विकास के मुद्दे पे करेंगे। हमारे मोहल्ले का जितना भी मुस्लिम जो समाज है वो फ़िलहाल जो सपोर्ट कर रहा है मदन भैया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मदन भैया एक ऐसा चेहरा है जो हमारे खतौली के विकास को बहुत आगे की ओर बढ़ा के जाएंगे। मदन भैया एक ऐसा चेहरा है जो खतौली को विकास दे सकते हैं, लेकिन मैं तो पूछना चाहूँगा कि मदन भैया तो बाहर ही हैं, इससे पहले तो शायद आपने देखा भी नहीं होगा उन्हें। सर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ करतार सिंह भड़ाना जी थे जो विधायक रह चुके हैं, उनको भी हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो भी यहाँ पे आए थे हमारे खतौली के विधानसभा में और जीत के चले गए थे। ये जो सत्ता की जो रोटियाँ होती है, लोग बाग आते सेक के चले जाते हैं। जनता तो एक किस चीज़ पे रहती है, जनता सोचती है कि हमारा विकास कैसे हो, हमारा विकास कौन करेगा। तो हम लोग जो सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि बाहर का है कहाँ का। हमारी तो राय ये है कि बंदा हमारे यहाँ का विकास करे, लेकिन जो चेहरा है वो मदन भैया का, हमारी ये वो है कि वो आए इधर और यहाँ का विकास कराया जाए। आप लोग वोट, आप लोग रुख जो करेंगे वो मदन भैया की तरफ करेंगे या गठबंधन के लिए करेंगे? सर हम जो अपना जो वोट जो कर रहे हैं, एक तो गठबंधन जो हुआ है रालोद से, जयंत चौधरी जी हमारे माननीय जी है, हमारा जो लेकिन जो मेन मकसद जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि विकास कैसे हो खतौली का, क्योंकि हमारी खतौली में बहुत साल से कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो खतौली का विकास कर पाए। तो हमारी सोच है कि मदन भैया है और हमारी खतौली में कोई विकास किया जाए। मदन भैया है कि खतौली में विकास किया जाए। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। आशिद जी आप क्या कहेंगे, इस उपचुनाव में मुस्लिम समाज किधर रुख करने वाला है, क्या मूड दिखाई दे रहा है? देखिए मैं ये बताता हूँ आपको, हम लोग वोटिंग तो करते हैं और हम सोच समझ के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम समझ के वोट नहीं करते। जयंत चौधरी साहब जो है वो थोड़ा जमीनी नेता है और किसानों से जुड़े हुए हैं और हम भी जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट होए, और हम ये चाहते हैं, लोग कहते हैं कि मदन भैया बाहरी प्रत्याशी है, कोई बात नहीं बाहरी प्रत्याशी है, लेकिन जयंत चौधरी साहब तो हमारे जमीनी नेता है, वे जुड़े हुए हैं हमसे और हमें मालूम है कि वे विकास कराएंगे। कि मदन भैया बाहरी हैं लेकिन जयंत चौधरी उनसे जुड़े हुए हैं और इन्हें लगता है कि जयंत चौधरी, अगर ये लोग गठबंधन की तरफ, लोकदल की तरफ रुझान करते हैं तो वे विकास कराएंगे। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। परवेज जी क्या लगता है किसे अपना खैर रखा इस चुनाव में आप मानकर चल रहे हैं, क्या मूड है? गठबंधन रादौल की मान के चल रहे हैं। मदन भैया को वोट देंगे, उन्हीं के समर्थन में। हमें विकास चाहिए अपने कस्बे का, अपने खतौली का विकास। आपको क्या लगता है बाहरी है मदन भैया है, क्या वे विकास कर पाएंगे या फिर पार्टी के चक्कर में आप? नहीं, विकास कर पाएंगे। हमने देखा है लोनी क्षेत्र का विकास कर रखा है, 4 बार विधायक रह चुके हैं लोनी के, लोनी गाजियाबाद के 4 बार विधायक रह चुके हैं। हमने देखा है 4 बार विधायक रह चुके हैं मदन भैया। इन लोगों का कहना है कि वे विकास कर पाएंगे और ये लोग मूड बना चुके हैं कि ये अपना रुख भी उधर ही करने वाले हैं। और लोग भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या मूड लेकर ये इस उपचुनाव में जाएंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा हबीबुर रहमान। हबीबुर जी क्या मूड है उपचुनाव में? वोट देने का है। किधर रुख करने का है? कहाँ जाए आप बताइए, मन की बात है आप बताइए। ये हमारी सोचनी है तो आप। मीडिया ने पूरे भारत में भाजपा को चमकाया, आपने चमकाने का काम भाजपा को किया। मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान जाकर निर्भया साइकिल पे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आपको लगता है मीडिया बीजेपी को मीडिया ने चमकाया है? ठीक है चलो आपकी बात मान लेते हैं। किसे खैर रखा मान रहे हैं उपचुनाव में? उपचुनाव में मदन भैया जीतेंगे। वजह क्या है? वजह यह है मसीहा है वो गरीबों के। मदन भैया के चेहरे को देख करके, नाम को देख करके वोट दी जा रही है गठबंधन को। गठबंधन को ये बात आई है ना, तो फिर मदन भैया का तो कोई नाम ही नहीं है। वोट तो गठबंधन को जाएगी ना, लोकदल को जाएगी। मदन भैया तो बाहर ही है, शायद पहली बार ही आपने देखा भी होगा। आज से पहले कभी क्षेत्र में देखा है? नहीं, उनका क्षेत्र दूसरा था। उनको पार्टी अगर यहाँ से लड़ा रही है तो यहाँ के कैंडिडेट यानी यहाँ के वोटर उन्हें वोट देंगे और किसी देंगे वोट। यानी कि मूड बना चुके हैं कि गठबंधन की तरफ मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम गठबंधन की तरफ जाएगा, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा कहाँ जाएगा मुसलमान बताइए आप? गठबंधन के अलावा कहीं नहीं जाएगा। और मायावती का कैंडिडेट नहीं है, हरिजन समाज भी उन पे जाएंगे, गुर्जर समाज उन पे जाएंगे। अब तो जीत निश्चित है गठबंधन की। तो सुना आपने, गठबंधन की जीत निश्चित है। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। क्या कहेंगे इस उपचुनाव में मुस्लिम समाज क्या मूड बनाकर बैठा? मूड तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने को भी बहुत कुछ है। क्या कहे बताइए? एक तो महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा है। आज गैस का सिलेंडर है ये देखना पड़ता है, 1100 रुपये का सिलेंडर है, वो कहाँ से लाएंगे? किसकी जेब से निकाले? कामकाज वो नहीं रहे, सच्चाई ईमानदारी की बात कहने वाला नहीं रहा वो। तो मूड क्या है? मूड क्या है आप बता दो, आपका मूड क्या है? मैं भी नहीं बता सकता। चलो ठीक है आप मूड नहीं बता सकते, लेकिन इस उपचुनाव में क्या आपको लग रहा है कि जैसे मदन भैया लोकदल से आए हैं मैदान में, क्या वे विकास आपका कर पाएंगे? बात सुनो, मदन भैया क्या विक्रम सैनी ने कभी यहाँ पे आके अपना चेहरा भी नहीं दिखाया जनता को। दिखाया कोई? पूछो इनसे, इतने सारे खड़े, कभी आया होगा? 6 साल हो गए उसको। नाराजगी है इस चीज़ की। नाराजगी इस चीज़ की है, कोई काम काज कुछ भी किया हो उसने, कोई गिनवा दो चुनवा दो। तो आप ही बताओ वोट किसे? हम तो बीजेपी को भी कर देंगे, लेकिन कम से कम हम लोगों के बीच में आके हमारी समस्या है तो सुनो। कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं। ये देख लिया आलू के साले, ये तो आलू है, समस्याओं भरे जाएंगे। चलो करो इनको। कोई सुनने वाला नहीं है इन लोगों की समस्या। इसी चीज़ को लेकर के ये मुस्लिम समाज अब मूड अपना पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ बना चुका है। और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? फिरोज, मोहम्मद फिरोज नाम है अपना। मोहम्मद फिरोज जी क्या रुख रहेगा इस बार? सर देखो रुख तो इससे पहले भी देख लो, अपना ये करतार सिंह भड़ाना जी आए, उनको भी हमने फुल सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छे उससे जिताया है। अब देखो मदन छावड़ा जी आए, ये अपना क्या नाम, मदन भैया जी आए हैं। मदन भैया अपने आए हैं, इनको भी नया टिकट मिला है अपनी तरफ से। अब यहाँ पर देखो इनको भी जिताने का पूरा चांस है, रुख मदन भैया की तरफ है। और जयंत चौधरी, अपने जयंत चौधरी जी सर जी है ना, ये सब वोट उनको जा रहा है, रालोद को जा रहा है ये सारा वोट। ये सब वोट रालोद को जा रहा है। और लोग भी है नौजवान हमारे साथ। भैया भाई एक मिनट, आप भी बहुत हंस रहे थे, आप भी बता दीजिए क्या मूड है भैया? क्या नाम है आपका? रिहान है। रिहान भाई उपचुनाव होने वाला है, वोटर तो है ना आप? हाँ जी वोटर हैं। क्या मिजान है इस बार, क्या रुख है, क्या मूड बना रखा है? मूड तो जी वही है राजा भाई, वो की क्या नाम, मदन भैया। नाम भी नहीं जानते हैं और मूड भी है जानते नहीं, देखा तो है। मदन भैया को वोट जा रही है या लोकदल को जा रही है? राष्ट्रीय लोकदल पे जा रही है वोट तो जयंत भाई के पास। ठीक है, नहीं विधायक जो है इनके मदन भैया को टिकट हुआ है, उन पे जा रही है वोट। तो सुना आपने, अधिकतर लोगों का कहना है कि वोट उनकी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल को जा रही है। मदन भैया ठीक है बाल्य प्रत्याशी है और उन्हें खड़ा किया है, ये लोग मूड अपना लोकदल के लिए ही बना चुके हैं और मदन भैया को ये लोग इस बार मदन भैया की तरफ ही रुख करेंगे। लेकिन देखेंगे कि 5 तारीख में आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। संदीप सैनी, यूपी तक।